दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं फिलहाल नागपुर रेलवे स्टेशन में। जस्ट मैंने विदर्भा एक्सप्रेस पर अपनी एक जर्नी को एंड किया है और विदर्भा एक्सप्रेस हमारी यहाँ 9:05 पर पहुंची थी। यहाँ से अगली ट्रेन में ले रहा हूँ बैंगलोर राजधानी, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं नागपुर से बैंगलोर के लिए फिलहाल। बाकी ट्रेन सारी फुल थी, बैंगलोर राजधानी में जर्नी करूँगा। आज ये जो वीडियो है आपको एकदम शॉर्ट में आपको नागपुर से बैंगलोर तक का वीडियो देखने को मिलेगा। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पीछे खड़ी है तेलंगाना एक्सप्रेस, जो कि कल शाम को नई दिल्ली चली थी 5:25, बैंगलोर राजधानी चली है रात में 9 के बाद। और अभी आगे जाकर के इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग तेलंगाना एक्सप्रेस ओवरटेक करेंगे बल्हाशाह से पहले या बल्हाशाह रेलवे स्टेशन में। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ क्या खाना पीना मिलता है बैंगलोर राजधानी में स्ट्रीट में, क्योंकि डाउन जर्नी करे हुए बहुत टाइम हो गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि WP7 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है गोयल TMT लिवरी का, और इधर आज के हमारे पोरबंदर हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस नागपुर रेलवे स्टेशन में। पोरबंदर हावड़ा एक्सप्रेस में गाजियाबाद का WP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, ट्रेन नंबर है 09205। तारीख है 23 अक्टूबर और भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को खोल दिया है, उन्हीं में से एक है पोरबंदर हावड़ा एक्सप्रेस। तेलंगाना एक्सप्रेस 9:05 पे ही आ गई थी, बल्कि उसका यहाँ से डिपार्चर टाइम 9:40 का है और लगभग एक घंटा बाद बैंगलोर राजधानी आएगी और हमारी जो अभी की यात्रा है शुरू होगी। चलिए फिलहाल देखते हैं नागपुर रेलवे स्टेशन में खाना पीना क्या मिलता है, क्योंकि हमें बैंगलोर राजधानी में तो रेडी टू ईट मील्स का ही ऑप्शन मिलता है, राजधानी में खाना पीना मिलना बंद हो गया है। राजधानी में खाना पीना मिलना बंद हो गया है, चलिए देखते हैं राजधानी यहाँ कब पहुँचती है, खाना पीना क्या होता है और ये जर्नी कैसे रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है। दोस्तों यहाँ 9:25 जो ट्रेन का टाइम है तेलंगाना एक्सप्रेस, उससे 10 मिनट के डिले के साथ ट्रेन निकल चुकी है नागपुर रेलवे स्टेशन से। देखते हैं कहाँ पे इसका ओवरटेक हो पाता है। और दूसरी तरफ बैंगलोर दानापुर संगत्रा एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो चुका है नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है नागपुर जंक्शन से और दूसरी तरफ खड़ी है मुंबई से हावड़ा की ओर जाने वाली मुंबई हावड़ा मेल। यहाँ पर स्टेशन में हल्दीराम का जो स्टॉल है यहाँ पे आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। याद रखिएगा स्टॉप से उतरने के बाद पड़ता है, यहाँ सभी चीज़ें मिल जाती हैं, उन चीज़ों का हम लोग सेवन करेंगे अंदर ट्रेन में, हम रिव्यू भी करेंगे। मैंने खाने पीने की चीज़ें कुछ ले ली है जिनका टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगा कैसा है, और आपको अपनी जर्नी के दौरान लें या ना लें। गार्ड साहब हरी झंडी दिखाते हुए डिपार्चर किए और हावड़ा मुंबई मेल और नागपुर
गोरखपुर को एक साथ अलविदा कहते हुए हमारी ट्रेन बढ़ चली है यहाँ से। यहाँ पे WDS-6 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, फंटी का काम कर रहा है कुरला शहर का। अलविदा नागपुर। आजकल कुछ ऐसा ही हाल है सभी ट्रेनों का, और फिलहाल हम लोग हैं बैंगलोर राजधानी के टू टायर में। ट्रेन पूरी खाली चल रही है, आप देख सकते हो साइड अपर साइड लोअर, और नई वाली साइड लोअर है ये, जिसमें आप साइड लोअर डालने के बाद इस सीट को उसके ऊपर बिछा के साइड लोअर को स्ट्रेट बना सकते हो। चलिए सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और खैर ये रही दो अपर बर्थ दो लोअर बर्थ, यहाँ खाने पीने के लिए टेबल, रीडिंग लैंप, और यहाँ पर चार्जिंग के लिए दोनों तरफ प्लग दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है अहमदाबाद पूरी एक्सप्रेस के साथ। नागपुर से निकलते ही आउटर पे मिली है हमें अहमदाबाद पूरी एक्सप्रेस। राजधानी में हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी नागपुर से ही हल्दीराम के स्टॉल से। उसमें से पहली चीज़ है ये, यहाँ पे है छोला और चावल, थोड़ा आराम से खोलते हैं। और ये है छोला चावल, और यहाँ पे है बिरयानी जिसे संदीप भाई ने ट्राई किया था, वो रिव्यू आपको बाद में देंगे, वो भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों छोले चावल का रिव्यू मैं देने वाला हूँ, बिरयानी का संदीप भाई देंगे, देखते हैं कैसा है इसका हाल। सही है ट्रेन के खाने के हिसाब से तो बहुत सही है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी ऐसा होगा। जरा इसको टेस्ट करो यार, बिरयानी टेस्ट करो कैसे। तो बिना ही मैं ही टेस्ट कर देता हूँ, संदीप भाई से उनका रिव्यू ले लेंगे। रेडी टू ईट वाले से लाख गुना बेहतर है, बाकी ट्रेन की जो बिरयानी मिलती है उससे भी काफ़ी अच्छी है। और जिसकी कॉस्ट हमें लगभग 70 रुपीज़ पड़ी है पर बिरयानी, लिखी होती है MRP 50 पर इंडियन रेलवेज का हाल, कोई बेचता नहीं है MRP पे, तो ज़्यादा दाम पे बिकी है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग नागपुर से गुजर रहे हैं ये चीज़ आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो भी इसका प्राइस है वो तो खैर ज़्यादा है, लेकिन स्वाद अच्छा है, कम से कम आपकी जो जर्नी है उसमें आपका मूड ख़राब नहीं होगा, एंड टू एट तो मूड भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। दोस्तों हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं संदीप भाई, ये बताएंगे बिरयानी का टेस्ट, और संदीप भाई से आप लोग की मुलाकात फिर से हुई सरप्राइजिंग इस वीडियो पर। आज सत्य भाई की ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब ये इनका कॉपीराइटेड ट्रेन, मतलब इसको इतना छान, मतलब कि एक एक सीट के बारे में बताएं इनको, एक एक सीट पे क्या क्या मिल जाएगा सब कुछ बताएं इनको। खैर ये बिरयानी हमने नागपुर से ली थी, और टेस्ट करते हैं क्या सर। इसका जो टेस्ट है वो नॉर्मली है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जो पैक्ड फूड आते हैं ना जो रेडी टू ईट वाले, उनसे तो काफ़ी अच्छे हैं। तो स्टेशन की बिरयानी के हिसाब से कैसा है, जो 50-60 रुपए में नॉर्मल तो काफ़ी अच्छे हैं, बिफोर कोरोना मिलती थी उसे तो काफ़ी अच्छा, उसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल जाती हैं, उसे तो काफ़ी अच्छा ही। कम से कम ये तो है ना कि ये सेफ़ है, मतलब पूरा पैक्ड होके आया था बढ़िया से, तो ये तो है कम से कम ये सेफ़ होगा। बाकी स्टेशन की बिरयानी का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो मतलब वो ज़माना शायद वापस आने भी नहीं हमारा मेरे ख्याल से लग रहा है। चलिए जर्नी बड़ा अच्छा लग रहा है इसकी, देख ये भी मैं देख कर लूँ क्या इसको भी, मन तो कर रहा है दिखाने का। ये भी छोला एंड चावल को भी टेस्ट कर लेंगे साथ ही साथ यार, मुझे देख रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू इससे, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो कुल मिला के आप लोग भी अपनी यात्रा के दौरान इन सब चीज़ों को मिस मत करना यार, ज़रूर ट्राई करना चीज़ें खाने पीने की, घर से लेके चले हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग की तरह अगर 15-16 दिन के सफ़र में हो तो ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे में खाने की याद आएगी, ये वर्थ रहेगा ऐसे। चलिए देखते हैं सेवाग्राम आने वाला है, वहाँ का कर्व कैसा है। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है तेलंगाना एक्सप्रेस और बैंगलोर राजधानी से क्रॉसिंग देखने का, हम लोग की ट्रेन जो है लगभग 40 मिनट से ज़्यादा का लेट हो चुकी है नागपुर से बल्लारशाह के बीच में,
ट्रेन काफ़ी धीरे चल रही थी बीच में इतनी कारणों से, और अभी बारी है हमारी क्रॉसिंग और तेलंगाना एक्सप्रेस जो कि हैदराबाद से नई दिल्ली जा रही है, और बेंगलोर राजधानी जो कि बेंगलोर से नई दिल्ली जा रही है, उनके साथ क्रॉसिंग देखने की। उसके बाद हम लोग मल्हार शाह पहुँचेंगे, जल्दी से देखते हैं क्रॉसिंग इन ट्रेन से। तो दोस्तों हमारी ट्रेन लगभग आधे घंटे के डिले के साथ पहुंच चुकी है मल्हार शाह। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा जशनपुर से चलकर गोरखपुर की ओर जाने वाली जशनपुर गोरखपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई है WP7 के साथ, और तेलंगाना एक्सप्रेस यहां पे अपने समय यानी 1:15 पर निकल चुकी है। इतने ओवरटेक कहां पर होता है मल्हार शाह, कुछ खाने पीने की चल रही थी उसकी भी अपडेट मैं आप लोगों को देता हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा है आज, काफ़ी दिनों बाद मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मल्हार शाह रेलवे स्टेशन में अक्टूबर के मंथ में भी इतनी कड़ी धूप है। तो दोस्तों लगभग 35 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है मल्हार शाह रेलवे स्टेशन से। 1:43 हो रहा है यानी 1:43 अभी हमारी ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर हुआ है। स्टेशन में आपको फल और बिरयानी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है मल्हार शाह रेलवे स्टेशन में, काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आपको कई सारी फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं, और साथ में तड़ोबा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी चंद्रपुर में है, काफ़ी पास है यहाँ से तड़ोबा का टाइगर रिजर्व। आपको हर जगह लगभग शेर ही शेर देखने को मिलेगा स्टेशन में। और अब बारी है वर्धा नदी के दर्शन करने के। इसलिए है क्योंकि हम लोग अब से किसी समय में सिरपुर कागज़ नगर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों कागज़ के लिए मशहूर, अपने इन कारखानों के लिए मशहूर सिरपुर कागज़ नगर शहर पे हमारी ट्रेन तो नहीं रुकेगी, लेकिन आप स्टेशन ज़रूर देख पाएंगे मेरे साथ इस यात्रा में।
चलिए बाहर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे लगते हैं ये बैम्बू ट्री यानी ये बांस। मैं तेलंगाना एक्सप्रेस को जब ट्रैक कर रहा था तो एक ऐप के थ्रू ट्रैक कर रहा था और वहाँ पे लिख के आ रहा था कि ट्रेन हैज़ डिपार्टेड रेचनी रोड, बेलमपल्ली के एक स्टेशन पहले आता है ये। तो मैंने भी सोचा हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने सोचा रिस्क ना लिया जाए, एटलीस्ट ओवरटेक है तो नज़र तो रखते हैं, क्योंकि किसी भी समय हो सकता है तेज़ गाड़ियाँ हैं, कई ऐप ट्रैक नहीं कर पाते इनके मूवमेंट को। तो अभी आप देख सकते हैं 2:55 पे तेलंगाना एक्सप्रेस का ओवरटेक हुआ है रेचनी रोड रेलवे स्टेशन पे, जो कि बेलमपल्ली के काफ़ी पहले आता है और सिरपुर कागजनगर के बाद में आता है। दोस्तों यहाँ पे जाकर के ओवरटेक हो पाया है 2:55 पे, बल्कि सुबह 9:30 मैंने आप लोगों को दिखाया था तेलंगाना एक्सप्रेस चली थी और हम लोग चले उसके बाद थोड़ा लेट होकर के 10:45 के बाद, बीच में राजधानी लेट भी हुई। ये सभी चीज़ें कवर करने के बाद फाइनली अब जाके दोपहर 3:00 समझ लीजिए ओवरटेक हो पाया है तेलंगाना एक्सप्रेस का। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल ये जर्नी जारी है, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों ये है वो जगह यानी काजीपेट टाउन रेलवे स्टेशन, यहाँ से लग हो जाती है चेन्नई लाइन और यही लाइन विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई होते हुए उस पर आप आगे जाना चाहें तो मदुरई कन्याकुमारी सभी रूटों पर ले जाते हैं। हम लोग जिस लाइन पे बढ़ रहे हैं ये जाती है सिकंदराबाद यानी हैदराबाद होते हुए बैंगलोर की ओर और बाकी जगहों की ओर भी, अगर आप वाडी मुंबई इन जगहों की ओर जाना चाहते हैं तो भी आप इस रूट से जा सकते हैं। भुवनेश्वर से आने वाली कोणार्क एक्सप्रेस काजीपेट होते हुए वाडी के रास्ते मुंबई की ओर जाती है। हमारी जो ट्रेन है अब मुड़ चुकी है काजीपेट जंक्शन की ओर और सीधा रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है जाता हुआ यही जा रहा है आगे। कतार में खड़े हुए हैं खूब सारे डीजल लोकोमोटिव, यहाँ पे एमडी लोकोमोटिव खड़े हैं लाइन से और हमारी ट्रेन स्किप कर रही है काजीपेट जंक्शन। काजीपेट को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से विजयवाड़ा की ओर लाइन गई हुई है स्टेशन के आउटर पे और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हैदराबाद लाइन पे।
दोस्तों बिल्कुल समय से हमारी ट्रेन पहुंच रही है सिकंदराबाद जंक्शन। बहुत सारे लोग मिलते हैं यहाँ के, कच्चेगुड़ा से आने वाला, कर्नूल टाउन होकर के आने वाला, और तिरुपति से आने वाला, विजयवाड़ा की ओर अगर काजीपुर से देखें, विजयवाड़ा की ओर जाने वाला काजीपीठ से अगर देखें आपको, बहुत सारे रूट आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल समय से, और मुझे लगा था कि ट्रेन लेट हो जाएगी आधा घंटा 40 मिनट, लेकिन ट्रेन का उसके बाद ट्रेन का जो रन रहा है बहुत ही अच्छा था, लगातार 120 की रफ्तार में चलती रही है, प्लस साथ में क्लियरेंस दी गई थी ट्रेन को, और जो स्लैक टाइम ट्रेन को दिया गया था उसके कारण ट्रेन यहाँ पर राइट टाइम पहुँची थी। मतलब देखिए सिकंदराबाद में क्या हाल है स्टेशन का। दोस्तों कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पैसेंजर सेफ्टी, और यहाँ पर ट्रेन के डोर्स को और स्टेप्स को हर चीज़ को सैनिटाइज़ किया जा रहा है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पर कि पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट के ब्रेक के बाद हमारी ट्रेन चल चुकी है अब सिकंदराबाद जंक्शन से। सिकंदराबाद को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे रूट यहाँ पे आगे मिलते हैं, जैसे कि तिरुपति से आने वाला रूट, बैंगलोर से जिससे हम आ रहे हैं रूट, और अगर बात की जाए तो एक और रूट आता है बैंगलोर तरफ से, आप इसे कह सकते हैं कर्नूल टाउन होते हुए कच्चेगुड़ा होते हुए वो भी सिकंदराबाद में मिलता है। यहाँ से बात की जाए तो नांदेड़ के लिए सेपरेट रूट गया हुआ है, बैंगलोर रूट में ही वाड़ी नाम का स्टेशन आता है, वाड़ी से मुंबई लाइन कट जाती है, तो सिकंदराबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेनें भी यहीं से जाती है वाड़ी होते हुए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है। दिल्ली लाइन जोड़ता है, चेन्नई के लिए ट्रेनें, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एक बड़ा स्टेशन बनाते हैं। 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 से हमारी ट्रेन चल रही है, बहुत सारी यात्रा हम लोगों ने स्टेशन से की हैं, और कोरोना काल में सुनसान सा स्टेशन बहुत ही अजीब सा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की डे जर्नी आपको मेरे साथ पसंद आई होगी। देखते हैं आगे जा कर के क्या खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम होता है, कैसे कटती है रात। कल सुबह पहुँचेंगे हम लोग सुबह सुबह बैंगलोर एकदम अर्ली मॉर्निंग, और जैसा कि अभी राजधानी का स्टेटस चल रहा है, आजकल ट्रेन का तो शेड्यूल अच्छा है, 40 से काफ़ी पहले पहुंच जाती है, देखने के लिए राइट टाइम पहुंचती है, बिफोर टाइम पहुंचती है, क्या सीन रहता है। और वहाँ पे हमें भारत का झंडा देखने को मिला, मतलब जहाँ भी दिख जाता है रिस्पेक्ट अपने आप जग जाती है और गर्व की अनुभूति होती है। डिपार्चर लाइट में हुगली शहर का नया लोगो, टेबल है इसमें है छोला चावल, और ये भी छोला चावल ही है सब, और ये है राजमा चावल, इसका MRP है 150। इसका भी है 150, सब 150 का आइटम है सब। और ये दाल तड़का इसका थोड़ा ज़्यादा होगा ना, ये भी 150 वाला। अच्छा दाल तड़का, काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है ट्रेन में। और ये है राजमा चावल, ये तो हो गया ना, काफ़ी कुछ अवेलेबल है यार। कड़ी, कड़ी कहाँ पे? ये वाला अच्छा, हमारा कढ़ी चावल भी है, इसे ओपन करो यार।
ये सब जो खाना है इसको पहले गर्म पानी में 10 मिनट तक खौलाया जाता है और उसके बाद यही खाना सीट तक सर्व किया जाता है। काफ़ी अभी भी गुनगुना है, ऐसी में रहने देते हैं वरना ठंडा ना हो जाएगा। एक शॉट मेरा भी ले लो। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ट्रेन में खाने पीने की क्या चीज़ें अवेलेबल हैं बेंगलोर राजधानी में। अगर आप प्रेफर करते हैं इन सब चीज़ों को तो खा सकते हैं, खाने का स्वाद ख़राब नहीं होता है। क्वांटिटी जो है वो कम है इसके रेट के हिसाब से, 150 रुपये आपको एक बार की मील पड़ेगी। अगर आप एक बार खा रहे हैं तो खा सकते हैं, पर अगर आप 2-3 दिन की यात्रा में हैं तो ये चीज़ें खाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। और मैं मास्क इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा कंप्लीट कोच खाली है, आप लोगों ने तो देखा ही, इस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया। और मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग खाना पीना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 दिन की जर्नी में तो आपके लिए शायद ये खाना खाना मुश्किल हो जाए। तो कोशिश करिएगा कि घर से एक टाइम पर खाना या 2 टाइम पर खाना लेके चलें और 3rd डे जब ज़रूरत पड़ती है तब आप इस मील का सेवन करें। एक बार के लिए अच्छी है और रेट थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आप घर से अपनी व्यवस्था करके चलें। बाकी पानी चाय कॉफ़ी वगैरह आपको ट्रेन में ही अवेलेबल है, सब रेडी, इंस्टेंट टी भी अवेलेबल है ट्रेन में, तो बनी बनाई चाय डिप चाय ऐसी कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है बेंगलोर राजधानी में। इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे की जर्नी को। जब कोरोना अपने चरम पर था तभी मैंने बेंगलोर राजधानी में यात्रा की थी जून के महीने में, और तब मैंने देखा था कि जो रायचूर स्टेशन है यहाँ पर प्लेटफॉर्म में कोई भी नहीं था। और आज जब हमारी ट्रेन ने रायचूर को स्किप किया है तब पब्लिक को देखकर मुझे अच्छा लगा कि चलो लोग हलचल है, खुशहाली फैली हुई है। और फिलहाल हमारी बेंगलोर राजधानी रायचूर को भी स्किप कर चुकी है, अगला स्टॉप गुंडिकल है रात में 12:50 के आसपास, तो जगने का कोई फ़ायदा है नहीं। रात में सभी चीज़ें अंधेरे में गुजर रही हैं, यहाँ पर भी सभी चीज़ें अंधेरे में गुजर रहा है, कोच पूरा हमारा खाली पड़ा है। मैं दरवाजे के पास वाली पहली सीट जा करके बैठ गया हूँ आप लोग से बात करने के लिए। फिलहाल अभी सो जाते हैं, कल सुबह आप लोग से मुलाकात होगी। देखते हैं ट्रेन बैंगलोर कब पहुँचती है, और फिलहाल हमारी जर्नी बिफोर टाइम एंड होती है, ऑन टाइम एंड होती है, ये सब चीज़ें आपको कल देखने को मिलेंगी। अभी सो जाते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट दोस्तों। फिलहाल के लिए रेस्ट करते हैं और थक काफ़ी गए हैं रिकॉर्डिंग करके, लगातार नागपुर से रिकॉर्डिंग चल रही है, उससे पहले विदर्भा एक्सप्रेस में रिकॉर्डिंग चल रही थी। रेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग से मिलता हूँ कल सुबह अर्ली मॉर्निंग शॉट के साथ। अगर ट्रेन थोड़ा सा आराम से पहुँचती है तो, अगर बिफोर टाइम पहुँचती है तो और भी अच्छा, आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा मैं इस चीज़ का। गुड नाइट दोस्तों। दोस्तों यहाँ 6:12 पर हम लोग स्किप कर रहे हैं यशवंतपुर को, 5:45 पर हम लोगों ने स्किप किया था यलंका जंक्शन को। तो चलिए देखते हैं यशवंतपुर का स्किप, क्योंकि अगला स्टेशन के बाद सीधा बैंगलोर सिटी है। कामाख्या यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस आ चुकी है।
से बैंगलोर की ये जर्नी आप लोगों को पसंद आई होगी। हम लोगों ने 1270 किलोमीटर को 20 घंटे में पूरा किया बैंगलोर राजधानी में, और रास्ते में मैंने आप लोगों को दिखाया क्या क्या खाना पीना हम लोगों ने एडजस्ट किया, स्टेशन में कब पहुँची गाड़ी, क्रॉसिंग वगैरह। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा था क्योंकि आप लोग कई बार मेरे साथ बैंगलोर राजधानी जर्नी देख चुके हैं, पर कोविड काल में आपको अपडेट की हमेशा ज़रूरत है, इसलिए मैंने अक्टूबर मंथ में इस जर्नी को फिर से किया है। और मेरे पास गाड़ियों के ऑप्शन में बैंगलोर राजधानी बची थी, मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को आप लोग के लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाया जाए। जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आई डी है द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं ऐसी ऐसी क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ जो आपको सही में बहुत पसंद आएंगी, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो अराइवल है बैंगलोर सिटी में हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, यहाँ पे मुझे उतरना है, डेस्टिनेशन है, सामान वगैरह लेकर के यहाँ उतरते हैं चैन से। आप लोग ख्याल रखिएगा, ऐसे ही जर्नी मेरे साथ इन्जॉय करते रहिए, इन्जॉय कीजिए बैंगलोर सिटी में अराइवल। मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।